डॉक्टर साहब, बचपन से कई एग्जाम्स का बैंड बज चुका है। अब मेरे बच्चे का भी यही हाल है, बार बार बीमार होता रहता हूँ, इम्यूनिटी बहुत कम है। कोई उपाय हो तो बताइए, मैं तो पता नहीं क्या बन जाता। जस्ट यूपीएससी एग्ज़ाम के दिन बीमार हो गया था, इंटरव्यू के पहले बीमार हो गया, सेकेंड अटैम्प्ट में कभी एक महीने पहले बीमार, कभी एक हफ्ते पहले, मतलब यही साला लगा रहा जिंदगी भर, आए दिन बीमार। इम्यूनिटी का कम होना या बार बार बीमार होना या एग्जाम के जस्ट पहले बीमार हो जाना आपकी करियर पर बहुत बुरा डेंट डाल सकता है। आपने साल भर नीट की पढ़ाई की है, यूपीएससी की पढ़ाई की है और एंड वक्त पर आप बीमार हो जाते हैं तो सारा कुछ किया धरा चौपट हो जाता है, आपकी परफॉर्मेंस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और ये किसी भी मोटिवेशनल लेक्चर में इस आस्पेक्ट को नहीं लिया जाता क्योंकि डॉक्टर नहीं होते ना वो लोग। तो मैंने सोचा अपने स्टूडेंट्स को, अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स मित्रों को इस बात के लिए जानकारी दी जाए, मदद की जाए। तो मैं दो तरह से आपको एग्ज़ाम के समय या कभी भी, बच्चे भी, पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं कि बार बार जिनके बच्चे खासकर बीमार होते हैं तो उनको आप बचा सकते हैं जो उपाय मैं प्रैक्टिकल उपाय बता रहा हूँ उनसे। एक तो मैं जनरल इम्यूनिटी को बढ़ाने के तरीके बताऊंगा, साथ ही साथ में मैं ऐसे वैक्सीन भी बताऊंगा आपको जो कि खासकर आप लोग बाहर के शहरों में जाते हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं या कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, कोटा वगैरह जाते हैं, तो वहां पर आप बाहर का खाना खाने की वजह से भी बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसे कौन से वैक्सीन हैं जिनको आप लगवा कर स्वस्थ रह सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में जनरल इम्यूनिटी के मेजर्स क्या है, तो जनरल इम्यूनिटी के चार प्रिंसिपल्स आप ये ध्यान रखिए, अच्छी स्लीप, ठीक है, अच्छा पोषण, बैलेंस डाइट, जिसके विषय में मैं थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा आपको, साथ ही साथ में स्ट्रेस फ्री रहना, ऑब्वियसली परीक्षाओं का स्ट्रेस होता है लेकिन खुद को कूल रखना, अच्छी नींद लेना, थोड़ा बहुत गेम्स, फोर्थ है एक्सरसाइज जरूर किया करो। स्टूडेंट्स पढ़ाई का प्रेशर रहता है तो आप लोग हेल्थ को नेग्लेक्ट करते रहते हो, थोड़ा सा आधे घंटे रोज एक्सरसाइज किया करो। एक्सरसाइज आपका कोई भी मनपसंद गेम हो सकता है, योगा हो सकता है, जिम हो सकता है, थोड़े बहुत घर पे डिप्स डंबल वगैरह रख लीजिए। और लड़कियां खासकर नहीं करती हैं एक्सरसाइज, रस्सी कूद लीजिए, थोड़ा डांस कर लीजिए म्यूजिक लगाकर, ये सब कीजिए तो इससे डिस्ट्रेस भी होंगे। तो ये चार प्रिंसिपल हैं। अब इसमें से मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पोषण, हाइजीनिक लेना है, साथ में बैलेंस डाइट जिसमें दाल चावल सब्जी रोटी फल, फलों का सेवन हफ्ते में 3-4 बार हो, रोज हो सके तो बेहतर होगा, रोज खाइए फल, साफ सुथरे हों, ठीक है। और देखिए कुछ चीज़ें हमारी इंडियन डाइट में कम होती हैं, हमें से लगभग 60-70% लोग विटामिन डी डेफिशिएंट है और विटामिन डी सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन है इम्यूनिटी के कम होने के लिए। दूसरे नंबर पर आता है विटामिन सी, फिर कुछ मिनरल्स जैसे कि जिंक सेलेनियम डी, जिंक सेलेनियम इत्यादि होते हैं नॉन वेजिटेरियन फूड में, साथ ही साथ में नट्स बीन्स, तो ये जो मूंगफली होती है, चने होते हैं, बादाम होते हैं, ये सब थोड़ा बहुत खा लिया कीजिए, भिगो के रख दीजिए तो इससे काफ़ी आपको एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। और बैलेंस डाइट 4-5 बार खाना खाना है फ्रीक्वेंट और थोड़ा थोड़ा, एक साथ बल्कि खाना नहीं खाना है। मिल्क आपको ठीक लगता है तो पीजिए, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। एग वाइट जो लोग खा सकते हैं वो लोग एग वाइट खाएं। तो इस तरह से इम्यूनिटी को, वो अपनी जनरल इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं बैलेंस डाइट, स्ट्रेस, स्लीप और एक्सरसाइज से। अब आती है बात स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो कि स्पेसिफिक कीटाणुओं के खिलाफ होती है। खासकर जो लोग बाहर खाते हैं उनको टाइफाइड और पीलिया होने का सबसे ज्यादा संभावना रहती है, पीलिया जिसमें हेपेटाइटिस ए और ई, ठीक है। तो टाइफाइड का वैक्सीन आता है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दे रहा हूँ और मैं कीमतें भी लिख दूंगा आपको वैक्सीन की, ठीक है, वैक्सीन के नाम भी लिख दे रहा हूँ जिसे आप किसी भी शिशु रोग विशेषज्ञ के पास लगवा सकते हैं। हाँ, आप एडल्ट भी हैं, आप युवा हैं तो भी इन वैक्सीन को आपको लगवाना चाहिए, जैसे मैंने खुद को लगा रखे, क्योंकि हम डॉक्टर्स तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन को कैच कर सकते हैं क्योंकि उन्हीं के बीच में रहते हैं हम, इन्फेक्टेड लोगों के बीच में। तो टाइफाइड जो है, टाइफाइड आपका एग्जाम का बुरी तरह बैंड बजा सकता है, टाइफाइड का वैक्सीन लगवा के रखिए, ये 5 ईयर्स तक आपको टाइफाइड से सुरक्षा देगा, लगभग 1800 का होता है। एंट्रोशील, टाइफाइड टीसीबी जैसे ब्रांड्स आते हैं, टाइपर टीसीबी, ठीक है। अब आते हैं बात हेपेटाइटिस ए वैक्सीन आता है, हेपेटाइटिस ए लगभग 1500 का है, अलग अलग ब्रांड्स आते हैं इसके, एक बायोवेक ए आता है, हैवरिक्स आता है, तो आप शिशु रोग विशेषज्ञ से अपने मिलकर लगवा सकते हैं, लगभग 1400-1500 के अराउंड के होंगे ये, ठीक है। चिकन पॉक्स बहुत बुरी तरह परेशान कर सकता है बच्चों को भी और बड़ों को भी, तो चिकन पॉक्स वैक्सीन लगभग 1800 का आता है, 1 साल की एज के बाद लगता है बच्चों को, ठीक है। टाइफाइड वैक्सीन 9 मंथ्स की एज के बाद लगता है, 9 मंथ्स ऑफ एज बच्चे की है और एडल्ट तक कभी भी लगवा सकते हैं। हेपेटाइटिस ए 1 साल की एज के बाद लगेगा, चिकन पॉक्स भी 1 साल की एज के बाद लगेगा, ठीक है। अब हम आते हैं और कौन सा वैक्सीन लगवा दूं, MMR लड़कियों को खासकर लगवा के रखना चाहिए, लड़के भी लगवा सकते हैं बट लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है
एमएमआर क्यों लड़कियों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर जो आई है उसको टैप करना, वो एमएमआर वाला एक वीडियो दिख जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये चार पांच वैक्सीन आप लगवा लें। जिन लोगों को बार बार सर्दी खांसी होती है वो इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल वैक्सीन लगवा सकते हैं, ठीक है। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन और एक महीने के बाद न्यूमोवैक 23 वैक्सीन मैं लिख दूंगा, ठीक है। और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन अकेला ऐसा वैक्सीन है जिसको एक साल में एक बार लगवाना पड़ता है, फ्लू शॉट को, जो इससे स्वाइन फ्लू के खिलाफ भी सुरक्षा होती है। स्वाइन फ्लू क्योंकि बहुत तेजी से फैलता है और अब मौसम आने वाला है, स्वाइन फ्लू का मौसम आ रहा है, स्वाइन फ्लू के कुछ केसेस दिखाई देना भी शुरू हो गए हैं। तो ये थी जानकारी वैक्सीन के विषय में। कई बार बच्चे और बड़े जो बार बार बीमार हो रहे होते हैं, खासकर सर्दी खांसी, वो लोग समझ लेते हैं ये लो इम्यूनिटी की वजह से है, जबकि वो ज़्यादातर एलर्जी की वजह से होते हैं। तो एक एलर्जी एक अलग प्रॉब्लम है, उसको अलग ढंग से हैंडल किया जाएगा, वो टैप करेंगे तो एलर्जी वाला वीडियो दिख जाएगा मेरा। लेकिन जो लो इम्यूनिटी है वो अलग ढंग से हैंडल की जाएगी। कभी कभार आपको जिंक, कैल्शियम, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। विटामिन B12 के भी सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, डॉक्टर को मिलकर ले सकते हैं, और मेरे अन्य वीडियोस का मैं लिंक भी उसमें डाल दूंगा। तो ये थी जानकारी इम्यूनिटी के विषय में। आपके कोई प्रश्न हो तो पूछिए। अगला वीडियो मैं सब्सक्राइबर्स के बेस्ट क्वेश्चंस पर बनाने वाला हूँ। आप में से जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं डिफरेंट फील्ड के, चाहे वो हेल्थ के हों चाहे करियर के, उनको मैं लेने वाला हूँ। ऐसे क्वेश्चंस खासकर जो औरों के भी काम आ सकते हों। कुछ एक कमेंट ऐसे वाले भी ले लूँगा जिसमें आपने कहा होगा सर आप हैंडसम लगते हैं, वो तो मुझे सबसे प्रायोरिटी पर लेना पड़ेगा।